हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। कल हमने हेल्थ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और हेल्थ के बारे में हमने जब पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि हेल्थ के बहुत सारे अपने अपने स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जिसमें से एक हमने पढ़ा ट्रेडिशनल और मेडिकल जो व्यू है, जो हेल्थ को सिर्फ फिजियोलॉजिकली देखता है, मतलब कि फिजिकली अगर हम हेल्दी हैं तो वो हमारी हेल्थ है। फिर हमने देखा कि WHO ने अपनी एक खुद की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें वो सोशल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े कि वो जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही ब्रॉड था, उसकी यूटिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परफेक्ट हेल्थ की बात कर रहे थे जो बहुत मुश्किल है किसी में भी मिलना। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट अब यहाँ पे आता है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पहले दोनों से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। इकोलॉजी मतलब किस तरीके से एक ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। पहली चीज़ ये बोली गई है कि जो हेल्थ है वो एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब है मेरे लिए वो हेल्थ कुछ और हो सकती है, किसी और पर्सन के लिए कुछ और हो सकती है, तो अपने अपने व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे लिए हेल्थ अलग अलग है, तो एक रिलेटिव है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ इसमें एक्सेप्ट करी हुई है कि हम एक किसी एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको हम यूनिवर्सल नहीं मान सकते, कि डेफिनेशन में जो चीज़ लिखी है वो सबके लिए कॉमन है या वो ही सबके लिए हेल्दी है, लेकिन एक हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए अपना अपना खुद का कॉन्सेप्ट है और वो उनके अपने व्यू पॉइंट्स हैं, तो रिलेटिव बोला हुआ है यहाँ पे। दूसरी चीज़ इन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया है वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ और एनवायरनमेंट, इन दोनों का आपस में जो इंटर रिलेशन है उससे फाइनली आपकी हेल्थ जो है वो आगे इन्फ्लुएंस होती है। तो यहाँ पे फोकस कहाँ दे रखा है, एक तो रिलेटिविटी ऑफ हेल्थ को दे रखा है कि रिलेटिव है, हर किसी के लिए सेम नहीं है, प्लस ये बोला हुआ है कि दी हेल्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन दी इंटर रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट एंड दी क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये दो चीज़ें हैं जो इस डेफिनेशन को थोड़ी और प्रैक्टिकल बनाती है पहले से जो बाकी दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इससे पहले, जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उससे ये वाली जो है ये थोड़ी सी और बेटर लगती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके एनवायरनमेंट से आपका क्या रिलेशन है, आपके एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर क्या पड़ता है, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। और हमें एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर फोकस करता है, इसीलिए थोड़ा सा बेटर माना गया है। This view has immense utilitarian value in the sense that it conceptualizes health as a relative concept. Second is focuses on the functional adaptation of the individual to the environment. And third, it is a specific definition. Hence, it can be used to operationally define health. तो ये हो गए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस, जिसमें ये बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की यूटिलिटेरियन वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज इसमें यू अंडरस्टैंड कि हेल्थ जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, और हेल्थ हम उसको कहेंगे जो अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकता है, और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो वो मैल अडेप्टेशन में आ जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को इन्होंने काफ़ी बेटर बताया हुआ है। प्लस कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कोशिश करी है कि हेल्थ को ना कुछ डोमेन्स में फिक्स कर सके, जैसे हेल्थ के कुछ डोमेन्स डिवाइड कर दिए हैं, क्लिनिकल डोमेन हो गया है, रोल परफॉर्मेंस हो गया, अडेप्टिव हो गया है, चौथा यूडेमोनिक है, तो ये चार एक तरीके से डायमेंशंस हैं जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये बोलते हैं कि हम हेल्थ को किसी एक डायमेंशन में नहीं हम डिफाइन कर सकते, उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। तो स्मिथ ने कोशिश करी है कि उसको किसी तरीके से इन चार डायमेंशंस में समझा सकें, जैसे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो चारों मॉडल्स हैं ये एक तरीके से हेल्थ को कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस द क्लिनिकल मॉडल डिफाइंस हेल्थ मिनिमली एज द एब्सेंस ऑफ डिसीज। जो क्लिनिकल मॉडल है जो सबसे पहले हमने देखा, वो हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है कि डिसीज अगर किसी को नहीं है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है।
दूसरा मॉडल उसका जो मॉडल है यूडेमोनिस्टिक मॉडल, वो थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसका आइडिया हैप्पीनेस से रिलेटेड है ज़्यादा। यूडेमोनिस्टिक जो मॉडल है वो ये बोलता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर है या सेल्फ फुलफिलमेंट है तो वो हेल्दी है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपको अब याद आ गया होगा वर्ड सुन के कि हमने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में पढ़ा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, हम अपने खुद के पोटेंशियल में कितना हायर ऊपर जा सकते हैं, हम उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर मॉडल है जिसको हम यूडेमोनिस्टिक मॉडल बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर कोई सेल्फ एक्चुअलाइज कर जाता है और उसके अंदर उसको खुशी मिलती है तो वो ही एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा। फिर इसी से, इसी अप्रोच से ना एक और ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी निकल के आती है जिसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी बोलते हैं। आजकल इसके बारे में भी बहुत बात हो रही है। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है जो पॉजिटिव चीज़ों पे ही फोकस करती है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस पे फोकस करती है, नेगेटिव पे नहीं। जैसे जनरली किसी किसी कॉन्सेप्ट में साइकोलॉजी के हम नेगेटिव चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देते हैं ना कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे माइंड में, हमारे कौन से ऐसे डिज़ायर्स हैं जो दबे हुए हैं, वो सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी एक तरीके से जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ना, वो ही वहीं से निकल के आई है पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये सारे पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देती है कि कैसे हम अपने आप को सेल्फ एक्चुलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को और बेटर बना सकते हैं अपने वेल बींग पे। तो वेल बींग यहाँ पे की वर्ड है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने आप को कैसे, अपनी अटेंशन अपने वेल बींग पे कैसे फोकस कर सकते हैं। तो सेंट्रल टू पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस मैटर। हमारा एक्सपीरियंस, ये सारा देखो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी वाली बात कर रहा है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में भी वो सारी यही चीज़ें बोलते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, पास्ट पे नहीं करना है, हमें अपने अपने आप को ग्रो करने पे फोकस करना है, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स पे फोकस नहीं करना है, अपने पॉजिटिव साइड पे फोकस करना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में भी समझाया जाता है, जो कि अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स जिसके बारे में बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, आपकी परसेप्शन कितनी हेल्दी है उस पर बहुत मैटर करता है, आपका पर्सपेक्टिव कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, आप चीज़ों को कितना पॉजिटिवली देखते हो, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के ऊपर मैटर करती है। सो इफ सपोज अ मैन हैज़ गुड फंक्शनल अडेप्टेशन टू हिज सराउंडिंग एंड इज नॉट डिसीज्ड येट इज पेसिमिस्टिक एंड अनहैप्पी विद मी, कैन दिस मैन बी हेल्दी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे। अब आप ये बताओ, अब जो हमने अभी ऊपर पढ़ा सारा, अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सपोज कोई मैन है जो फंक्शनली अडेप्टिव है, जो अपने जैसे इकोलॉजिकल थ्योरी जो हमने ऊपर पढ़ी जो बोलती है कि जो अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर जाता है, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, जो कि एक मेडिकल थ्योरी जो हमने पढ़ी थी ट्रेडिशनल, वो बोलती है कि बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही पेसिमिस्टिक है, बहुत नेगेटिव सोचता है और वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी है, तो क्या आप उस पर्सन को हेल्दी कहोगे? अब इसका जवाब आप मुझे अपने आंसर में दोगे, क्योंकि अभी तक हमने जो थ्योरीज पढ़ी हैं उसी से आपको इसका जवाब मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे तीन थ्योरीज इंक्लूड करके बोल रहे हैं, पहली इकोलॉजिकल थ्योरी के बोल रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई अडेप्ट कर जाता है अपने, जैसे कि इकोलॉजिकल थ्योरी बोल रही है कि एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने का मतलब है पर्सन हेल्दी है। दूसरा ये बोल रहे हैं मेडिकल थ्योरी जो बोलती है कि डिसीज ना हो तो पर्सन हेल्दी है। तो भी अगर फाइनली अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी वाली बात पूछें, तो भी अगर बहुत नेगेटिव है कोई, पेसिमिस्टिक मतलब होपलेस है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो क्या आप उस पर्सन को हेल्दी कहोगे? तो आप मुझे इसका जवाब दोगे अब कमेंट्स में, अगर आपको समझ में आता है तो। आफ्टर डिस्कसिंग द वेरियस कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ हेल्थ इन मॉडर्न एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी, लेट अस नाउ टेक लुक एट क्रॉस कल्चरल वेरिएशन। इट वुड अमेज यू टू नो दैट स्पिरिचुअल हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इन मैनी कल्चर्स। अब यहाँ पे जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि ये योगा की बात करने वाले हैं, योगिक साइकोलॉजी की, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम क्रॉस कल्चरली देखें, अलग अलग कल्चर्स में जाके देखें, आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि जो स्पिरिचुअल हेल्थ होती है, स्पिरिचुअलिटी, वो बहुत जगह पे बहुत सारे कल्चर्स में उसी को हेल्थ के साथ जोड़ा जाता है। तो वो अब हम पढ़ेंगे इसमें योगिक साइकोलॉजी में। तो ये देखते हैं अब योगिक साइकोलॉजी क्या होती है।
एक योगिक साइकोलॉजी एक हमारे लिए एक बहुत ही नया टॉपिक हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि योगा लिटरेचर में तो हेल्थ को एक प्रॉपर एक अलग से ही पूरा कॉन्सेप्ट हेल्थ का लिया गया है, जिसको योगा लिटरेचर में बताते हैं एंशियंट इंडिया में। लेकिन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अभी तक हम मोस्टली क्या पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब ये योगिक साइकोलॉजी में ये एंशियंट इंडिया के लिटरेचर की बात कर रहे हैं, और ये सबसे पहले ये तो बोल रहे हैं कि योगा जो है ना उसमें डिकोटोमीज को बिलीव नहीं किया जाता। डिकोटोमीज मतलब कि अगर आप हेल्दी हो तो आप में इलनेस नहीं है, या फिर आप अगर इल हो तो आप हेल्दी नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप या तो ए हो सकते हो या बी, तो ये डिकोटोमीज वगैरह नहीं मानी जाती हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। और ना ही इसमें कुछ इस तरह के डोमेन्स हैं कि फिजिकल मेंटल, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका अपना एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, पहला है अनाशक्ति और दूसरा है अशक्ति मॉडल, और मे बी आप अशक्ति भी बोल सकते हो, बट आई थिंक ये हिंदी वर्ड है तो ये अशक्ति मॉडल ही बोला जाएगा। तो अशक्ति रेफर्स टू अटैचमेंट, अशक्ति मतलब अटैचमेंट की बात कर रहे हैं ये। जैसे हमें अटैचमेंट होती है लोगों से, हमें अपनी चीज़ों से अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विद एक्सपेक्टेशन, और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। जिससे आप अट्रैक्ट होते हो उससे आप एक्सपेक्ट करते हो कुछ चीज़ें, फिर वो फुलफिल नहीं होती है आपकी एक्सपेक्टेशन, और उसकी वजह से आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और अगर ये फ्रॉयड की टर्म में बोले तो फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है, मेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो जो अशक्ति है लीड्स टू एंग्जाइटी डिप्रेशन फियर एंड इनसिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप उनसे बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो उन लोगों से जिनको आप बहुत पसंद करते हो, फाइनली जब वो नहीं होता है पूरा तो आपके अंदर फियर इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी डिप्रेशन इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो ये जो अशक्ति है ये किन चीज़ों में हमें मिलती है? जैसे राग है, पहला राग का मतलब है अट्रैक्शन टूवर्ड्स सेलेक्टेड पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अट्रैक्शन होना, और उसके साथ एक्सपेक्टेशंस भी होना। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि वो भी फिर हमसे अट्रैक्ट हो, जितनी इम्पोर्टेंस हम उसे दे रहे हैं वो चीज़ भी हमें उतनी इम्पोर्टेंस दे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा जो है वो है द्वेष, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड। अगर हम किसी से नफरत करते हैं, हम किसी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आती हैं, वॉयलेंस और एग्रेशन जैसी चीज़ें आती है। तीसरी चीज़ है अहंकार। अहंकारा मीन्स जैसे ईगो की बात हो रही है, आपके अंदर एक एरोगेंस आ जाता है और ईगो आ जाती है। तो इन चीज़ों के अंदर ही हमारी अशक्ति है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये इल हेल्थ को लीड करती है, मतलब अशक्ति लीड्स टू इल हेल्थ। फिर उसके बाद अनाशक्ति की बात कर रहे हैं, ये डिटैचमेंट है। अनाशक्ति मीन्स डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन्स कि आप किसी चीज से अटैच नहीं हो और आप उस चीज से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। और ये बोल रहे हैं योगिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर अनाशक्ति है, दैट मीन्स अगर आप किसी से इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो तो आप अपने फुल पोटेंशियल तक ग्रो कर सकते हो। अनाशक्ति विल लीड यू टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकते हो। एंड अनाशक्त इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ आत्मन विद ब्राह्मण। मतलब एक कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो अनाशक्त है, मतलब जो डिटैच है सब लोगों से, तो उसी को एक ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो अपने अपने आप की, अपने आत्मा की, अपने आप की सुप्रीम गॉड से यूनिटी, मतलब उससे मिल सके। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट अनासक्त इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। तो जब किसी की किसी के साथ अटैचमेंट ही नहीं होगी और किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होंगी, तो वो उसको ना तो कोई नेगेटिव इमोशंस आएंगी, ना उसको कोई डिप्रेसिव प्रॉब्लम्स आएंगी, ना एंजाइटी प्रॉब्लम्स आएंगी, और उसके अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी जो उसकी हेल्थ को ख़राब करेगी। और अगेन यहाँ पे ये दोबारा फोकस कर रहे हैं कि अनाशक्ति और अशक्ति ये डिकोटोमीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक होगी तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो ये नहीं होगा। उल्टा ये भी एक कंटिन्यूम की तरह है, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। कंटिन्यूम का मतलब 100% कोई इधर या 100% कोई इधर नहीं होगा।
लोग यहाँ बीच में फॉल करेंगे इस कंटिन्यूम के। कुछ ऐसे होंगे जिसमें असक्ति ज़्यादा होगी, अनासक्ति कम होगी। कुछ ऐसे होंगे जिसमें अनासक्ति ज़्यादा होगी, असक्ति कम होगी। कुछ हो सकता है बीच में भी हो, जिनमें दोनों चीज़ें बराबर हो। तो ये कंटिन्यूम की तरह है और लोग इनके बीच में आते हैं। कोई भी 100% परफेक्ट अनासक्त या परफेक्ट असक्त नहीं हो सकता। तो ये योगिक लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंटली दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो अब ये हेल्थ को यहाँ पे कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं, टू कंक्लूड हेल्थ इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डिसीज़ का ना होना एक हेल्थ वो होता है, हेल्दी पर्सन होता है, बट ऑल्सो एक फंक्शनल अडेप्टेशन होनी चाहिए अपने एनवायरमेंट के साथ। और हेल्थ कोई डिकोटोमस स्टेट नहीं है कि आप यहाँ तो पूरे परफेक्ट हेल्दी हो जाओगे या पूरे ही इल हेल्दी हो जाओगे। ये भी एक कॉन्टिन्यूम की तरह है, हम उस कॉन्टिन्यूम के बीच में कहीं भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है हम कितने हेल्दी हैं और कितने अनहेल्दी हैं। तो ये हमारे हेल्थ का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने समझा है। और फाइनली एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे लिखी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज बींग री इन्वेंटेड टू इंक्लूड वेल बींग, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हारमोनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। तो अब जो हेल्थ के कॉन्सेप्ट फिर से इवॉल्व हो रहा है, उसमें अब कोशिश की जा रही है कि वेल बींग के बारे में बात की जाए, हैप्पीनेस के बारे में बात की जाए, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के बारे में बात की जाए। मतलब जो सेटिस्फाइड है वो एक हेल्दी पर्सनैलिटी माना जाएगा, और हारमोनी होनी चाहिए माइंड और बॉडी के बीच में। अब यहाँ से हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कॉन्सेप्चुलाइजिंग हेल्थ इन इंडिया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।